अच्छा जी, मैं पामू खेले पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो जगह है ना, ये बड़ी सन्नाटे वाली है, लेकिन यहाँ का सीन आलीशान है। क्या तुम कभी इस्तांबुल नहीं गए? कोई बात नहीं यार, हाँ अब चले जाओ। न्यू ईयर पे काफी सारे ट्रिप्स लेके जा रहे हैं आलीशान ट्रैवल्स वाले, तो कोई सभी ज्वाइन कर लो। और अगर नहीं जा सकते तो मैं हूं ना यार, मैं घुमाता हूं, चेक करो। देखो, अगर तुम इस्तांबुल जा रहे हो ना, तो भाई काफी सारे अच्छे अच्छे से कपड़े रख लेना, क्योंकि इस्तांबुल में पिक्चर्स का सीन जो है ना, वो बहुत आलीशान है। और अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो हो सकता है कूगर तुम्हें भी काफी सारे अपैरल्स गिफ्ट करते, जैसे कि मुझे किए थे। और हाँ, इस्तांबुल पहुंच के पाकिस्तान को भूल मत जाना, लिहाजा कुछ चटपटे से स्नैक्स रख लेना, क्योंकि मेरे भाई वहां पे आपको ना सब कुछ मिल जाएगा, मगर ये टेस्ट नहीं मिलता यार। स्मेल्स लाइक होम। अच्छा, यानी एकदम घर की याद आ गई, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो आइए फिर इसी बात पे ब्लॉग को शुरू करते हैं यहाँ से। तो जनाब, फाइनली मैं इस्तांबुल पहुंच चुका हूँ, ख्वाबों का शहर मेरा। मुझे काफी टाइम से यहाँ पे आने की क्रेविंग थी कि यार मुझे देखना है, और मैं खड़ा हूँ उस वक्त तकसीम स्क्वायर के ऊपर। बड़ा फेमस स्क्वायर है ये, सेंटर ऑफ द सिटी भी आप कह सकते हैं। इसका पुराना नाम था पैरा, लेकिन ये तकसीम के नाम से मशहूर है। और आसपास यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग प्लाजा, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी रिकमेंडेशन उनसे है कि जो पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं, जब भी आपका आना हो, आप तकसीम स्क्वायर पे अपना होटल लें। सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, जैसी आपकी जेब इजाज़त दे। देखो भाई, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो ना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि सुल्तान अहमद पे स्टे करना, जो कि ये जगह है जहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है। क्योंकि सामने मेरे ब्लू मॉस्क है, पीछे आया सोफिया है, और बड़ी अच्छी जगह है। मतलब सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और अगर तकसीम वगैरह आपको जाना है इस्तकलाल, तो आप टैक्सी भी कर सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, मेट्रो भी कर सकते हो। लेकिन अगर बॉयज़ के साथ आ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा तकसीम पर रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पे लेट नाइट तक एक्टिविटी ज़्यादा है, हैपनिंग है काफ़ी ज़्यादा, और मज़े का सीन है। मतलब ठीक है ना हैदराबाद भाई, सही है ना? फैमिली के साथ सुल्तान अहमद, नियत पे डिपेंड करता है। हाँ, नियत नियत सारा काम नियत के ऊपर। तो जनाब, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं खूबसूरत तरीन जगह, मैं समझता हूँ दुनिया की। ये सामने, यानी ये देखें आप, आया सोफिया है, और ये मेरे पीछे ब्लू मॉस्क है। और ये इतना लाइक हैपनिंग वाली जगह है ना, ये इतना खूबसूरत। और ये हमारे भाई इंजॉय कर रहा है यार, इंजॉय कर रहा है लौंडा हमारा। भाई फॉलोअर्स आ गए। ये देखे, ये एक और आए भाई। तकसीम में और यहाँ में फ़र्क ये है कि तकसीम बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है वहाँ पर। और ये जो है, ये इलाका फ़ातेह वाला इलाका, सुल्तान अहमद मस्जिद मेरे बिल्कुल साथ है, ब्लू मॉस्क के नाम से मशहूर है ये इलाका। जो ये फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है, जल्दी यहाँ पर लोग उठ जाते हैं, शोर शराबा कम है, और लौंडे लपाड़े भी कम हैं, फैमिली ज़्यादा यहाँ स्टे करती है। स्क्वायर है, इस स्क्वायर पर जो है सामने आया सोफिया है, जिस जो पहले चर्च थी उसको अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके सामने यहाँ पर ब्लू मॉस्क है, जो कि बहुत ही मशहूर मॉस्क है, सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है। पुरानी 400-500 साल पुरानी मॉस्क है, लेकिन अभी ये कंस्ट्रक्शन, ये कुछ रेनोवेशन चल रही है, उसके लिए बंद है। 80% मॉस्क बंद है, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मोमेंट है। आई डोंट नो कब तक चलेगा ये, 6-7 महीने तक, लेकिन ये कि ये स्क्वायर मेरा पसंदीदा है। आया सोफिया एंड ब्लू मॉस्क से फ्री होने के बाद तुम सीधा पहुंचो ग्रैंड बाजार, क्योंकि करीब है। सो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रैंड बाजार के अंदर, और यहाँ पे बड़ा रश है, बड़ी सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ अगर आप फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, अकेले भी आ रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आइएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपका कहना ये है मिस्टर अजलान कि आप पाकिस्तान को दिल में लिए घूमते हैं? पाकिस्तान को जैकेट में लिए घूमता हूँ। कैसे भाई? मूंगफलियाँ लेकर आए थे आप? मूंगफलियाँ मैं खा रहा हूँ। ये तो चोरी की है आपने। तो है, ये तो चोरी की आपने। खाने में कोई चोर वोर नहीं देखा जाता भाई, खाना खा लो। अच्छा, यस। यहाँ से फ्री होने के बाद पहुंचो इस्तकलाल, और ट्रेन में बैठ के सीधा गला टटावर। भाई जिंदगी में पहली दफा ट्रेन में बैठने जा रहे हैं हम। नानी भाई, छोटी वाली मेट्रो में क्या? मेट्रो नहीं, इट्स अ स्मॉल ट्रैम, इसमें भी चलता है ये कार्ड। क्या बात है। अच्छा, एक कार्ड पे सारे भी चल सकते हैं? आपको दिखाएंगे ये कार्ड कहाँ कहाँ चलता है। कोई पहचान गया मैं, फाइनली कोई पहचान गया। क्या बात है जी, क्या बात है। आप भी पहचान गए? ये भी पहचान गए भाई, ये भी पहचान गए। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा आई एम श्योर गलाटा टावर। इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है, जो कि मुलाहिज़ा फरमाइए यार। ये गलाटा टावर है, ये काफ़ी पुराना है, प्रॉब्ली मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ के जब टॉप पर आते हैं ना,
360 जायज़ा लेंगे पूरे इस्तानबुल का। यहाँ से आपको यूरोप भी दिखेगा, एशिया, ये यूरोप वाले साइड पर है, सामने एशिया दिखेगा आपको, एंजॉय करना है सर, व्यू बॉस्फोरस दिखेगा, एक एक प्रॉब्ली मॉस्क्स भी दिखेंगी सारी की सारी। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे थोड़ी सी ना अलगसी आ रही थी, क्योंकि मैं समझ रहा था पुराना टावर है और 2,500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन लिफ्ट का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है इन्होंने, अंदर से बड़ा ज़बरदस्त इसको जो है ना डेकोरेट किया हुआ है। और आप व्यू चेक करें, मतलब पूरा इस्तानबुल आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी, क्या खूबसूरत है, वर्थ इट है मतलब। और 30 लीरा दानी भाई, 30 लीरा कुछ भी नहीं है इस व्यू के लिए। भंड है कैसे, ऊपर ला सकते हैं आप लिफ्ट में, और आपने नीचे खुद अपने आप को लेके जाना है सीढ़ियों के जरिए। ये देखिए यार, कोविड की वजह से मसला है ना शायद, है मानी कोविड का क्या ताल्लुक है। सही बात है। यहाँ पे आप करें म्यूजिक वीडियो शूट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट। इस बंदे का फ़ैन हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि इस बंदे ने अपनी ब्रांडिंग जो की है ना, क्या क्लास है यार, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, फुटबॉलर्स, मतलब दुनिया का कौन बड़ा आदमी नहीं है जो उसके पास आके इसकी टेबल पे खाना ना खाता हो। और आज हम भी हैं सर, आज हम भी उन्हीं में हैं, छोटे से लेकिन एक्सपीरियंस है, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, सीधी सी बात है। और जहाँ तक मानी ना ब्रांडिंग वाली बात की, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में इसके रेस्टोरेंट्स की चेन्स खुल रही हैं। ये वाहिद बंदा नहीं है जो दुनिया में बीफ स्टेक्स बनाता हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीफ स्टेक्स बनाते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल बीफ स्टेक्स बनाते हैं, लेकिन नुसरत भैया की बात ही अलग है सर। अगर इस्तानबुल पहली दफा आए हो तो बॉस फोरस क्रूज तो बनता है। तो दानी भाई कहाँ पे आ गए हम सर? पेड़ पे हम लोग और जा रहे हैं, हम लोग एक क्रूज डिनर पे, एक लंबा सा चक्कर लगाएंगे, खाना खाएंगे, याशी करेंगे, दैट्स इट। सीन आलीशान है, सीन आलीशान है, सीन आलीशान है, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ये दोनों टेबल्स हमारी हैं आलीशान की। We have got 37 people with us. अजलू मेरे दोस्त क्या कहता है फिर? सर मैं कहता हूँ कि I'm just waiting for the food. स्टार्टर हमने नहीं खाया। नहीं खाया? नहीं। क्यों नहीं खाया आपने? चिकन खाने का इंतजार कर रहा हूँ। मेन कोर्स फिश मंगाई हमने। फिश पालक। ओके। तो जनाब ये हमारा आलीशान का कारवां इस वक्त बैठा डिनर नोश फरमा रहा है, और अभी हम आपको दिखाएंगे इसके आगे के मनाजिर क्या होते हैं इस बॉस्फोरस क्रूज के। तो भाई पूरी ट्रिप की रौनक ये बच्चा है हमारा, ये लाडला बच्चा है बेटा, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को आप लोगों के साथ। चले जी बोले, अच्छा बोलना है, हाँ ना, क्या बोलना बता दो भाई, आप जो स्क्रिप्ट में आपको लिख के दिया था तारीफें वो कर देनी आपने। इस्तानबुल में हो और प्रिंसेस आइलैंड पे साइकिल नहीं चलाई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? इस्तकलाल स्ट्रीट पे मौजूद हूँ, जो कि मशहूर ज़माना इस्तानबुल की स्ट्रीट है। यहाँ पे बेतहाशा रेस्टोरेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ये है शॉपिंग की वजह से, क्योंकि बड़े से बड़े आपको ब्रांड्स मिलेंगे और बहुत सस्ते, और लोग जो तुर्की शॉपिंग के लिए आते हैं ना, वो बेसिकली इसी स्ट्रीट की वजह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी वैरायटी मिलती है पैरेंट्स में कि आप बोलते हैं कि भाई ये खरीदूँ या वो। 2013 से मैं तुर्की आ रहा हूँ स्पेशली इस्तानबुल, और कंसिस्टेंसी के साथ सर ये माधो की ये छोटी सी प्यारी सी आइसक्रीम खा रहे हैं, 4 लीरा की मिलती है, सुपर टेस्टी। गाइस हैव नो आइडिया, जब भी आओ ना इस्तकलाल पर ये छोटी कोन स्ट्रीट पर, ये छोटी सी कोन माधो पर आपको मिलेगी 4 लीरा की, इट्स हेवन। इस्कुदार जा रहे हैं भाई, इस्कुदार क्या उस्कुदार जा रहे हैं, और ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पर राइड हमें तकरीबन 2.5 से 3 लीरा पड़ता है, अगर मेरे 4 पड़ रहा है, एक कार्ड पे 2 लगाए तो दूसरा 4 पड़ता है, दूसरा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये कि तकरीबन 50 से 60 रुपये पाकिस्तानी। तो हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर एशिया बगैर वीज़े के, बिल्कुल ऐसे ही है, बगैर वीज़े के दोबारा यूरोप जाएंगे, मतलब यूरोप एशिया हमारा ऐसा आना जाना लगा रहता है, मतलब काम का सिलसिला है ना, यूँ जा रहे हैं यूँ आ रहे हैं। ये जो बंदा मेरे कैमरे के पीछे ना दानियाल, इसके साथ अगर आप निकले हो ट्रैवलिंग पे तो आपको समझ लें आपकी टांगे जवाब दे देंगे, क्योंकि आपको पैदल इतना अख्वार कराएगा कि आपको भूख लगेगी, और चटपटी सी भूख में फिर पाकिस्तान की याद तो हम दिल में लिए घूमते हैं ना मेरे भाई। तो ये आपने स्नैक ज़रूर रखने अपने साथ, और ऐसी जगह पे इस स्नैक का मज़ा 4 चांद लग गया था, मतलब दोबारा हो जाता है, वाह। तो
जनाब ट्रिप का एक अगला सेगमेंट आ चुका है और मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं इन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। कौन है भैया? ये देखें आप, ये हमें पहचानते हो? ये देखें आप, ये पहचानते हो ना? ये देखें आप सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चलो शाबाश कटो, चलो शाबाश कटो, शाबाश नहीं होता। तो भाई आपसे हमारी मुलाकात होनी थी ट्रैप जोन में। हाँ, लेकिन आप जो है आप आ गए ना अंताली, हमारे पास आ गए ना सर, थैंक यू सो मच, आप आए। हमने सोचा यार तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आशान भाई कभी कभी आते हैं, कभी कभी डर के आते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमने तो रहना शुरू कर दिया। दोस्तों ये थी मेरी तुर्की की कुछ यादें जो मैंने अपने कैमरे में कैप्चर की। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें और भी बाकी हैं करने को, वो मे बी नेक्स्ट टाइम। बट स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा कूगर को फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल अपैरल्स। और इनकी न्यू विंटर सेल जो है वो लॉन्च हो चुकी है, आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, स्टोर्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर न्यू ईयर पर आपका अब तक कोई ट्रैवल का प्लान नहीं बना तो आलिशान ट्रैवल्स के काफ़ी सारे ग्रुप जा रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।